अब इससे पहले अब बहुत थोड़ा सा ही समय हम आपका ले रहे हैं। एक तो मैं फिर निवेदन करता हूं, ये जो बरामदे में खड़े हैं भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप यहाँ कुर्सियां खाली पड़ी हैं, यहाँ आ जाएं। और जो यहाँ खड़े हैं इनसे भी निवेदन है, खड़े क्यों भाई, आप कुर्सियों पर जाके बैठ जाओ, थोड़ी देर का कार्यक्रम है, कुर्सियों पर चले जाओ, वहां बैठो। अब इससे पहले कि मैं और कोई आपके सामने बात कहूं, देखो हम और आप इस इलाके के मिट्टी में पले और बसे हैं, मेहरबानी इस इलाके की है, इस इलाके की 36 बिरादरी की है, जिन्होंने हमारे जैसे ना कुछ आदमियों पर हमेशा इतना भरोसा किया। और हमने भी कोशिश की कि आपके प्यार और विश्वास के साथ कभी धोखा ना करें, हो सकता है हमसे भी गलतियां होती होंगी, लेकिन आज जो आप लोगों को गर्मी में तकलीफ दी है, उसके पीछे मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे नेता और हम सब और आप सब भी, जिस तरीके से आज हर बिरादरी, हर समाज के प्रमुख लोगों ने आकर के हुड्डा जी को, उदयवान जी को सम्मानित किया है, उन्होंने इस इलाके के हर बिरादरी की वजह से तरफ से उनको आश्वासन दिया है, और कई सम्मानित बिरादरी अभी भी रहती हैं, उनका हम खाने के ऊपर उनका सम्मान कराएंगे। और हुड्डा साहब, हमारा इलाका चाहे राजनीतिक तौर पर पीछे हो, लेकिन आज जो प्यार उमड़ करके यहाँ आया है, जो हर बिरादरी के सरदार यहाँ आए हैं, ये आपको विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि सब कुछ देखने के बाद आज पलवल जिले की 36 बिरादरी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि आने वाले दिनों में 3 की 3 सीटों को जिता करके आपकी झोली में यहाँ से इस इलाके की 36 बिरादरी बना करके भेजेगी। और जो हमारी दुख तकलीफें हैं, वैसे आप जानते हैं, ये जिला आपने बनाया, आज इस सरकार ने ना तो नहरों में आने वाला गंदा पानी उसकी कोई सफाई की, ना किसान के खेत में नहर और रजवाहों का पानी जा रहा है, ना गांवों में और वार्डों में बिजली आ रही है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर शहरों में गांवों में लूट मची हुई है, लाल डोरे के नाम पर गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऑनलाइन के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस प्रदेश के अंदर चल रहा है, कौशल रोजगार के नाम पर नौजवानों के भविष्य को खराब किया जा रहा है, गरीब लोगों को राशन नहीं मिलता है, बैकवर्ड गरीब हमारा नौजवान, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। और यहाँ जो हर तरीके से पलवल में जाम लगा रहता है, पलवल में टोल जो लगा हुआ है वो नाजायज टोल लगा हुआ है, गडकरी जी देश की संसद में कई दफाएं ऐलान कर चुके हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर लगने वाले टोल सब नाजायज हैं, गैरकानूनी हैं, लेकिन आज तक टोल नहीं हटाया गया है, हम टोल देकर के भी जाम में फंसते हैं, बीजेपी की सरकार ने हमारा कुछ नहीं किया, मेट्रो का वायदा किया उसका वायदा पूरा नहीं किया, गांवों की हालत यह है कि ट्रांसफॉर्मर जल जाते हैं, गांव वाले आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले जाते, नए ट्यूबवेलों के कनेक्शन नहीं दिए जाते, और जो हमारे गांवों में गरीब लोगों के मकानों के जो पैसे थे वो पूरे नहीं दिए जाते, जो किसानों की फसल आती है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, गांवों में गंदगी का ये आलम है, शहर के अंदर भी आधा घंटा की बारिश गांव और शहरों को पानी से डुबो देती है, बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है, समस्याएं बहुत हैं। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपसे यही उम्मीद करता हूं, और मैं ही नहीं, हमारा मंच, हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, और मेरी आंखों के सामने आज 36 बिरादरी की सरदारी इन्हीं उम्मीदों को लेकर के आई है कि अपनी तरफ से 36 बिरादरी पलवल जिले की कसर नहीं छोड़ेगी, और जब आप मुख्यमंत्री बने तो आप भी अपना प्यार और इस इलाके की तरक्की, बच्चों के रोजगार में, इस इलाके को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपने पहले भी नहीं छोड़ी थी। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपने सामने बुला रहा हूं, जो मैं आपसे जहां शुरुआत की थी, वक्त है, वक्त बदलता रहता है, हम चाहे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी में छोटे भी हैं, हमसे तो ये बड़े हैं, रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, समाज और सामाजिक रिश्तों में भी बड़े हैं, खूब हमने एक दूसरे का साथ भी दिया और फिर एक दूसरे की बुराई भी की, आप सब एक एक बात से वाकिफ,
लेकिन आज इलाके के हित में चौधरी हर्ष कुमार जी, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, जब ये हमारे मंत्री हुआ करते थे, आपको याद है किस तरीके से जिन नहरों में आज पानी नहीं आ रहा है, कितना पानी चौधरी हर्ष कुमार जी के समय में आया करता था, हालांकि हम दोनों ही मंत्री थे, याद है आपको? नहीं। आज पानी के लिए गांव के गांव बर्बाद हो रहे हैं, सरकार नहीं सुनती। और चौधरी उदयभान जी, पिछले दिनों जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो चौधरी हर्ष कुमार जी ने हुड्डा साहब से या चौधरी उदयभान जी से जो भी बात करके पार्टी का समर्थन किया, ये इनका बड़प्पन था। और ये इलाका जानता है कि चौधरी हर्ष कुमार जी, उनकी जो शख्सियत है उससे, इनके सहयोग से किस तरीके से होडल में, हतीन में और इलाकों में भी कांग्रेस पार्टी को मदद मिली है। तो मैं आप सबकी तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी, चौधरी उदयभान जी का भी, चाहे मेरे से बिना पूछे ही किया, लेकिन जो इन्होंने ये काम किया, ये हमारे इलाके के हित का काम है और ये अच्छा काम किया है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने इलाके के दुख तकलीफों को दूर करने में आपस में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई किसी भाई को एक दूसरे से शिकायत है तो हम आपस में घर में बैठ करके उन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। हमेशा का आपस में लड़ना इलाके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।